We'll take care you. नमस्कार आप लाइव बिहार देख रहे हैं मैं हूँ राजमोहन तिवारी तो देखिए आज से बिहार विधान मंडल का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और इसमें भाग लेने के के लिए खुद बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी अभी विधानसभा पहुंचे हैं तमाम तस्वीरें भी आप देख सकते हैं यह विधानसभा की तस्वीर है जहां पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपको नजर आएंगे महागठबंधन के विधायकों ने उनका स्वागत किया सीएम के साथ उनके कई मंत्रिमंडल के सहयोगी मंत्री भी मौजूद थे तो यह सत्र पांच दिनों तक चलेगा इस दौरान सरकार कई महत्वपूर्ण बिल पेश करेगी इसके साथ ही सत्र के दौरान सरकार की ओर से जातीय गणना की रिपोर्ट सदन के पटल पर भी रखी जाएगी संभावना है कि सरकार की ओर से आरक्षण का कोटा बढ़ाने से जुड़ा हुआ प्रस्ताव भी सदन के पटल पर रखा जाएगा और इस महत्वपूर्ण शीतकालीन सत्र में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा पहुंच गए हैं बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र के पहले दिन नए चुने गए प्रतिनिधि शपथ ग्रहण करेंगे इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2023-24 का सेकंड सप्लीमेंट्री बजट सदन के पटल पर रखा जाएगा इसके बाद शोक संवेदना व्यक्त कर पहले दिन की कार्यवाही खत्म हो जाएगी उसके बाद सत्र के दूसरे और तीसरे दिन राजकीय विधेयक और राजकीय कार्य निपटाए जाएंगे इसके साथ ही 9 नवंबर को वित्तीय वर्ष 2023-24 के सेकंड सप्लीमेंट्री बजट पर चर्चा होगी और सदन के अंतिम दिन, यानी कि 10 नवंबर को गैर सरकारी सदस्यों के काम निपटाए जाएंगे गैर सरकारी संकल्प इसी दिन पारित किए जाएंगे मालूम हो कि जातीय गणना की रिपोर्ट आने के बाद विधानमंडल का यह पहला सत्र होगा दो अक्टूबर को सरकार वारा जारी जाति आधारित गणना की प्रारंभिक रिपोर्ट में केवल वर्ग और धर्म विशेष के लोगों की संख्या का उल्लेख किया गया था जबकि शेष आंकड़े विधानमंडल में पेश किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है उधर राज्य की मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेरने की तैयारी में है भाजपा ने नीतीश सरकार की जाति आधारित गणना शिक्षक बहाली में गड़बड़ी का आरोप लगाया है विधानमंडल के सत्र के लिए प्रश्नकाल निर्धारित है भाजपा शिक्षक बहाली बढ़ते क्राइम ग्राफ और जातीय गणना की रिपोर्ट पर विपक्ष के तेवर हमलावर रहने की संभावना है बीजेपी शिक्षक बहाली में गड़बड़ी और जातीय गणना की रिपोर्ट में धांधली की के आरोप भी लगा चुकी है तो इन तमाम मुद्दों को लेकर बिहार विधानसभा और बिहार विधान, विधान परिषद में आपको आर पार की लड़ाई होते नजर आएगी पक्ष और विपक्ष एक दूसरे से भिड़ते नजर आएंगे आज से ही बिहार विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और उसमें शामिल होने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम मंत्रीगण विधायक खुद विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी भी नीतीश कुमार के साथ मौजूद थे वो भी तस्वीर हमने आपको दिखाई तो पांच दिनों का यह सत्र है हालांकि आज ज़्यादा देर तक यह सत्र नहीं चलेगा लेकिन ये अनुमान जरूर है कि सत्र शुरू होने के साथ ही बीजेपी भी अपना तेवर दिखाएगी और खूब निशाने साधने की कोशिश होगी और सदन की कार्यवाही अगर बीजेपी यानी कि मुख्य विपक्षी पार्टी जिस तरीके से चाहती है जो मुद्दे उठाने चाहती है जिन बातों को सदन में रखना चाहती है अगर रोका गया वो करने से तो फिर सदन चलाना अब इतना भी आसान सत्ता पक्ष के लिए नहीं होने वाला है बने रहिए लाइव बिहार के साथ तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें